अगर यहाँ पर ट्रायंगल बोला है, इसका मतलब यह है कि ए और ए बी और ए सी, ये बी समकोण बोला है। अगर यहाँ पर बी समकोण न बोल करके यहाँ पर बोला सी समकोण या ए समकोण, तो यहाँ पर ये होगा। घर है अगर कभी होता है क्वेश्चन घुमा दे आपको कि त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, सी यहाँ पर होगा, जो भी समकोण बोलेगा वो यहाँ पर होगा। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, ए सी हो गया होगा 5, बी सी हो गया 3। अब आपको भी मालूम है नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, आधा बस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, बराबर अंदर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होगा ना। और कैसे, पी बराबर अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी, अरे पी क्या ए बी है, ए सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बोलिए 25 माइनस 9 क्या रूट 16 क्या कितना है, क्या मिला आपको 4 लगा ले सब बता दो, इसको बता दो ना। यानी डायग्राम में आपको पता ये लगा कि यानी ये डायग्राम है जिसमें से कितना है बोलो, तो 5 है और ये 3, ये कितना हो गया 4, और ये और ये बी और ये सी। अब सवाल ये साहब कि साइन ए बोला है, साइन ए इस एंगल पर यानी पी कौन सा होगा, पी हो जाएगा लिखेंगे बी सी बाई ए सी। ऑलवेज बी जो करंट होता है, जो हाँ पर ट्रेस होता है, वहां पर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। कोस बी, तो कोस बी ये बी के हिसाब से बी होता है, बी सी बाई ए सी। क्लियर, अब सॉल्व करेंगे, बी सी का मान 3 बाई ए सी 5 प्लस 3 बाई 5, एलसीएम करेगा 5 3 और 3 कितना जाएगा, ठीक है। अब देखते बात कर टेन ए, टेन ए, अब टेन ए का मतलब हुआ कि यहाँ से हम ले रहे हैं इस एंगल से ए, समझ यहाँ से हुआ, तो इनके सामने वाला क्या होगा, पी और ये होगा बी, तो बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी मल्टीप्लाई होगा टेन सी, सी में बोला है तो पी ए और बी ए, तो ए बी बाई बी सी। क्लियर, अब बी सी का मान कितना है 3, ए बी कितना है 4 गुणे ए बी कितना 4, बी सी कितना है 3, कट गया कितना बच गया 1, क्यों गुणा में काटने से 0 होता है, पहली बार हम सुन रहे हैं, वन होता है कि 0 होता है, ठीक है, जब आप किसे डिवाइड करोगे तो 0 कैसे हो गया, चलिए आइए। ठीक, अब साइन का, साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा जब भी रहेगा तो आपको भुजा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको आपको कितना आप क्या करना है, पी वाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी वाई पी का होल स्क्वायर। अब पी आपका कितना हो गया 4 बाई 5 स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बाई 25 प्लस 9 बाई, ठीक है, एलसीएम कितना होगा 400, एलसीएम हो जाएगा 256 भाई 400, ये आपका हो गया आप आंसर, ठीक है। इस तरह का मैथ एग्जाम में आता है, तो जब बेसिक समझ लीजिएगा ना, चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं, चैप्टर आपको आसान पड़ जाएगा, तो अभी हम इतना लेंदी पढ़ा देंगे आपको, ये चैप्टर में वो चीज़ है ही नहीं, मटेरियल है ही नहीं, हम हमेशा चैप्टर से बाहर पढ़ाते हैं, चैप्टर से बाहर इतना टपड़ा देंगे आपको, चैप्टर खुद पढ़ाना है, चैप्टर हम नहीं पढ़ाते, बस समझ गए। और जो टीचर चैप्टर पढ़ा के भागा दे खाली, वो फिर पढ़ाता नहीं है, ठीक है पूरा करता है, आइए आगे देखते हैं, समझे। तो साइन ए क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी गुना कोस सी बी सी बाई ए सी प्लस
कोस ए ए बी बाई ए सी इंटू साइन सी ए बी बाई ए सी है ना, है कि नहीं ए सी क्लियर। अब नीचे वाला ए करते हम बना ले, सबने बना ले बना सबने बना देख लो। अब क्या करना है, सॉल्व ही करना आगे। हाँ नोट ही नोट कर लो, जो नहीं बनाया नोट कर लो। देखो इसको अब क्या आता है कि BC का जो मान आपका है कितना हो गया, 3 है। AC का क्या है, 5। BC का 3/5 प्लस 4/5 गुना 4/5 आपका 9/5 प्लस 16/5 25 हो जाएगा। 9 प्लस 16 25 भाई क्या जाएगा, एक हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो